सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो अब हम लोग पहले रोड पोस्ट बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग 40-50 किलोमीटर के राइड से निकलने वाले हैं, तो वो यही राइड है। हम लोग फिलहाल मालूम नहीं कैसा रहा होगा, बट हम लोग दूसरे एंगल का रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। और जितेंद्र भैया जो हमारे मैकेनिक हैं, उनका हेलमेट लेकर जा रहे हैं इस राइड को शूट करने के लिए। और फिलहाल अपने पापा जी यहाँ पे हम लोग को पिकअप करना है। तो गाइस, फिलहाल हम लोगों ने अपने पापा को पिकअप कर लिया है, पापा जी को। पीछे का चक्रम कम हवा लग रहा था, चार्ज हो रहा है, नीचे चार्ज हो रहा है। हम लोग का रुक कर चेक कर लेंगे इधर। फिलहाल ट्रैफिक है पीछे बहुत से, तो आगे का फिर हम लोग चेक करते हैं। पीछे के टायर में एयर प्रेशर सही है या नहीं, बिकॉज कुछ टच हो रहा है, कहीं जर्नी ख़राब ना हो जाए। चलिए हम लोग फिलहाल रुक कर चेक करते हैं। तो भाई लोग, अभी एयर प्रेशर टायर का हमारा ठीक है और अभी लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में। और फिलहाल ये कार वाला जो है ना, उसको वीडियो वाला ये साथ से हमारे फ़ोन के देख लिया कि लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मतलब ये सब एरिया जो अभी फ़िलहाल मैं रामगढ़ कंटोनमेंट में हूँ और इधर से दिल्ली ए के साइड जा रहा हूँ, तो ये जो एरिया ना, इधर अभी तक कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। मतलब ऐसा मोटो ब्लॉग या फिर ब्लॉग वगैरह सॉन्ग वगैरह का शूटिंग हुआ होगा फिलहाल इधर, मतलब इधर में हल्का आगे के साइड के एरिया में, बट इस टाइप का ब्लॉग वगैरह कोई भी नहीं बनाया। मैं फर्स्ट बंदा हूँ इस एरिया में ये सब स्टार्ट करने वाला। सो देखते हैं क्या सीन बनता है। और ये देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर आपको तो दिखता हुआ पास करते हुए, और ऐसे से बहुत सारे आपको मंदिर वगैरह दिख जाएंगे रास्ते में। सोली जी में आप लोग को सो में सुन दिख जाएगा। और फिलहाल जर्किंग मतलब स्पीड ब्रेकर बहुत गंदा वाला मिलता है मेरे पास। ओ भाई यार, नहीं कर मारिए यार, लड़की का कैप्चर आप लोगों ने अब देखा हुआ कैप्चर होगा। ये लड़के बहुत ही डेंजर वाला, खतरनाक खेती वाला रिएक्शन भी हम लोग का, हम लोग सूट देखते हुए, हम लोग जो सूट कर रहे हैं उसको देखते हुए, हेलमेट में माउंट लगा हुआ है, फोन लगा हुआ है। एक और स्पीड ब्रेकर कह रही है, ये लोग आगे उधर साइड बढ़ गए, दूसरे साइड वो लोग कर ले लिए। बट लड़की का रिएक्शन बहुत हेवी वाला था, अगर कैप्चर हुआ होगा इस आप लोग भी देखेंगे। चाचा भाई साहब, क्या पप्पा जी के साथ अंदर आया है अपने जज साहब के साथ। आप बनाने वाली आदत हमारी बहुत बुरी है। भाई लोग फिलहाल थोड़ा सा मतलब फीवर कोल्ड का ये सब बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है ऐसे मौसम में। अभी ठंड जो है, कोल्ड जो है बहुत ही बढ़ी हुई है। हम लोग को ब्लॉग शूट करना है। और ये देखो नेचर इधर साइड में, मतलब बहुत ही खाली ज़मीन है, खेत वगैरह होते हैं उस टाइप के एरिया है, और काफ़ी अच्छी हरियाली यहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने को।
और सारे साइड में घर मिल जाएंगे। और ये देखो जानवर, मतलब इनके ऑनर्स को कुछ पता नहीं, गाय भैंस ऐसे ही मतलब चरते रहते हैं इधर उधर। यहाँ पे आगे चलकर एक रेलवे क्रॉसिंग है, फाटक जिसको बोलते हैं, सो वो भी है। और एक टनल टाइप का एरिया है, सो हम लोग टनल साइड से जाएंगे, बिकॉज जो ट्रेन की पटरी होती है ना वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा वहाँ पे एरिया ख़राब होती है। और रास्ता रास्ता रास्ता, ओ भाई चेक करो गाइस, अभी फ़िलहाल हम लोग अभी गड्ढे पे, मतलब रोड थोड़ा सा जैसे ऑफ रोडिंग टाइप का ऊँचा नीचा ना, इस टाइप में हम लोग अपने स्कूटी को, स्कूटी या स्कूटर जो भी मुझे नहीं मालूम क्या है, 110 cc का है फिलहाल, सो इसको गड्ढे में खुला देते। और साउंड चेक करो गाइस, टनल के अंदर मतलब है ना नॉर्मल की स्कूटी के भी साउंड बहुत हेवी लगती है। तो हम लोग प्लान में चल चुके हैं एंड आगे बढ़ गए। बीच में हो सकता है कि बीच में हम लोग को गिद्दी ए पहुँचने से पहले हम लोग को बीच में कुछ काम वगैरह से हम लोग जा रहे हैं, मतलब 3-4 जगह हमारा स्टॉपेज है इधर के साइड में, सर एक ही बार यहाँ से स्टॉपेज होगा, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग गिद्दी में रुकेंगे। ओ चचा इधर की, तो अभी मेरे आगे बार पीछे बहुत ही डेंजर वाली ब्रेकर मिली थी, और चचा पूरा धुआं धुआं कर दिया इधर की। देखो बहुत स्पीड ब्रेकर मतलब है इस एरिया में, मतलब इस रोड में आपको, इस रूट में आपको बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे। और यही है इस रूट का खास, मतलब ये जो रामगढ़ से गिद्दी तक का रास्ता है आपको बहुत मतलब रोड अच्छी मिलेगी, बट आपको स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज इस एरिया में एक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा केस हुई। और ये देखो और स्पीड ब्रेकर मतलब पास पास में, मतलब एक एक गली क्रॉस अप कर रहे हैं ना, तो उतने में आपको स्पीड ब्रेकर कहीं कहीं मिल जाएगा देखने को। पीछे में आप लोगों को एक मंदिर दिखा हुआ, अब यहाँ पे आगे में एक मस्जिद मॉस्क भी आपको मिलेगा, तो यहाँ पर मे भी आप लोग को दिखा हुआ बहुत ही स्कॉर्पियो वाला है, आप देखा कितना टच करते हैं मतलब इधर मेरे ना कि ट्रैफिक वाले मतलब नहीं रहते हैं, सो इसकी वजह से जैसे मन तैसे लोग चलाते हैं फिर गाड़ियाँ वगैरह, और जानवर वगैरह भी बहुत सारे बीच बीच में आ जाते हैं। सो यही सारा सीन था इधर का। और यहाँ से यहाँ पर मेरे को टन दिखता हुआ बीच में देख रहे, देख रहे हो गाइस, चेक करो गाइस, चेक करो। और एक के और तक, बट वहाँ लगता था भी लगा था मालूम नहीं फिर कैसा दिख रहा हो, बट कुछ तो आप लोग की अंदाजा लगा ही सकते हो। सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग डुमरिया बस अगर इस तरह कुछ एरिया आने वाला है, तो ये देख सकते सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। और एरिया का नाम क्या है मेरे को भी नहीं मालूम फिलहाल से, लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मतलब लोहे का फैक्ट्री, स्पार्क फैक्ट्री भी खास टाइम पर है, तो वहाँ बहुत गंदा वाला चीज लेकर है, पर हम लोग भी उसी एरिया में पहुँचने वाले हैं। ओ भाई ब्रेकवा बजी नहीं रहा, ब्रेकवा एकदम पता है बहुत ज़्यादा ही हो गया, एकदम ही नहीं बज रहा, दूरे से ब्रेक मारना पड़ रहा जर्सी से। जहाँ पे याद है वहाँ पे मार ले रहे हैं, जहाँ पे याद नहीं है ना वहाँ पे फटक से रहे। कुछ अभी स्पोर्ट बाइक है उसमें ज़्यादा गैप नहीं, इधर छोटा सीट रहेगा, दो आदमी आप एकदम पता है पूरा टाइम अल्लाह रख के बैठिएगा तब होगा। बस फिलहाल हम लोग अभी अर्गड एरिया को पास कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई लोग यहाँ पे इन लोगों का रिएक्शन बहुत ही ओपी वाला रिएक्शन मिल रहा है, भाई लोग देख रहे हैं हेलमेट में माउंट और ये फ़ोन वगैरह मतलब शूटिंग वगैरह करते हुए, सो बहुत ही हैप्पी वाला रिएक्शन मिल रहा है।
ये किस चीज का ये भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे? आप देखो एक्सीडेंट टाइप का तो नहीं लग रहा है गाइस, शायद ये लोग चंदा वाले हैं यार, देख रहे हो यार दिन खराब करने के लिए आ गए यार ये लोग रोड में, यार क्या तमाशा लगा कर रखते हैं यार ये लोग। जिसके पास 50 रुपए नहीं यार पेट्रोल डलवाने के लिए, वो कहाँ से देगा यार? ये लोग जबरदस्ती सब करते हैं, सही चीज़ नहीं यार, देख रहे हो भाई, चेक कर गाइस। बेटे बेटे ओ बेटे माज कर दे, हां माज कर दे वाह बेटे वाह। 50 रुपये का पेट्रोल डलवाने के लिए मेरे को सोचना पड़ रहा है, इनको चंदा ही चाहिए इसलिए दे दिया चंदा। लड़की और चंदा काट रहे थे लोग, तो जो लड़की रोकने आई थी ना वो लड़की गजब दे देती है, देख रहे हो भाई कितना हैवी मतलब लोग कट तक निकाले हैं एकदम, तो किस साइड अगर सांप बना कर एकदम पूरा क्योंकि बीन कटे हुए निकाले गए। पापा जी भी मेरे खुश हो गए, पीछे से तालिया वाले देने लगे, मैंने कट मारा रहा था, पापा को मजा आ रहा। फिलहाल यार ये बहुत ही गंदा तरीका है ये, मतलब रोड के बीच में आ जाना भाई, लिटरली मेरे 40 से 50 की स्पीड थी, ब्रेक मारते हुए यार 30 की स्पीड में अगर ये लोग एकदम सामने आते यार बताओ, ऐसे में अगर मान लो अगर कोई ठुक जाता है तो उसमें गलती किसकी होगी? तो फिलहाल हम लोग अपने पापा जी के साथ ये राइड को इन्जॉय कर रहे हैं गाइस। और देखो एक चीज़ तो है, आप लोग अकेले भी जा सकते हो राइड पे, पापा जी के साथ भी जा सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो, फैमिली के साथ आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिकेशन मिले होंगे। सो फैमिली के साथ आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिकेशन के साथ आपको चलनी पड़ेगी, स्पीड वगैरह कट वगैरह या फिर हैनी गुटका या फिर चाय सुटका ये सब आप नहीं कर सकते फैमिली के साथ। बट हम लोग अपने पापा के साथ जा रहे हैं और इसमें थोड़ा सा मतलब नर्वस भी होता है, बिकॉज जहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत कट या वो देख लेते हैं या फिर कहीं हल्का सा गलती हो जाए तो इस चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा सा नर्वस भी होता है। बट एक और फीलिंग है, अपना अपना मतलब फीलिंग का बात है कि अपने फैमिली के साथ या फिर अपने किसी खास किसी स्पेशल के साथ राइड करने का यार मज़ा ही अलग है। अपने पापा को मतलब अपने गाड़ी में बैठा करके राइड करना ये अलग ही फीलिंग है गाइस, और किसी किसी को ऐसा बोझ भी लग सकता है। फिलहाल पता भी मेरा तबीयत सही नहीं है और ये सर्दी खांसी तो है, बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी थोड़ी तेज उसकी वजह से थोड़ी सी कमजोरी है। बट इसके लिए हर तरह यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं मतलब राइड भी निकलता अपने पापा को बताता है, देखो रेस्टिकेशन तो बहुत सारी लग जाएंगे आपको ऑटोमेटिक को बात है, बट रेस्टिकेशन तो वैसा कम नहीं होता जो मतलब ये एक हैप्पीनेस एक होता है ना राइड का, जो सेटिस्फैक्शन होता है ना पापा को पीछे बैठा कर मतलब राइड करना वो अलग ही लेवल का, मतलब इसमें जो हैप्पीनेस मिलती है वो अलग ही लेवल की हैप्पीनेस मिलती है। मेरा तो नेचर इसी टाइप का है, फैमिली के साथ रहने का और अपनों के साथ रहने का, तो गाली गलौज वगैरह भी रेस्टिकेशन होता है, ज़्यादा तो हम लोग गाने नहीं मिल सकते बट वाइटर बन करके थोड़ा बहुत हम लोग गुनगुना सकते। बट सच बोल रहा हूँ बहुत, आप लोग भी अगर अपने फैमिली के साथ अगर नहीं किए ट्रिप तो फैमिली के साथ करके देखो, हाँ उल्टा पलटा खाने पीने से थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा फैमिली के साथ लोगों को, खासकर मम्मी पापा के साथ, बट आपको राइड में बहुत ही मज़ा आएगा, मतलब एक अलग जो प्राउड वाली फीलिंग होती है ना, तो अपने माँ पापा को अपने गाड़ी में बैठा कर आप लोग राइड करोगे ना तो अलग ही टाइप का फीलिंग आएगा आपको प्राउड वाला। तो ये सारी चीज़ें और पापा को और मेरे मतलब बहुत सारी बीमारी क्या बोला जाए, मतलब हेल्थ इशू बहुत सारी है। सो मैं भी सोचता हूँ यार मतलब मालूम नहीं कब क्या हुआ, सो जो भी पल है जो भी चीज़ है उसे हम लोग याद कर लेते हैं कि जो भी है अपने पास इसका नाम हम लोगों ने अपना ड्यूक रखा है। और खुशियत बाप का है कि मतलब बाप के कंधे पे बोझ बन कर ये सारा चीज़ नहीं है, जो भी है अपने खुद के पैसों से खुद के मेहनत किए हुए पैसों से यार इस बात का बहुत ज़्यादा खुशी है, और इसमें अपने पापा बैठ कर चल रहे साथ में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब मैं आपको मेरे पास वर्ड्स नहीं है गाइस, ये मैं भी मतलब ये फर्स्ट सूट है पापा के साथ में ये राइड, और ये मिलाकर दूसरे बार मैं अपने पापा के साथ जा रहा हूँ अपने फैमिली के साथ, मतलब अपने लिए तो यही 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर ये लॉन्ग राइड है।
और फिलहाल हम लोग 200 का फ्यूल अप कर रहे हैं और 200 में माइलेज ये सब इधर उस हिसाब से 200 में हमारा आने जाने जाएगा। सो 200 का पेट्रोल हमारा जल जाएगा 40 किलोमीटर में। ये भी एक रीज़न है इसका नाम ड्यूक रखने का। बट जो भी है अपना अपने लिए यार ये एक मशीन नहीं है, अपने एक फैमिली मेंबर की तरह है। फीलिंग इमोशंस बहुत सारे हैं इसके साथ जुड़े हुए, सो अपने लिए ये भी बहुत कीमती है गाइस। और मेरे ही लिए नहीं, जो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास जो भी बाइक या स्कूटी वगैरह रहती है, सबके लिए अपनी अपनी जगह पे फीलिंग्स इमोशंस अटैचमेंट्स होती है। फिलहाल कॉल आ चुका है पापा का, सो गाइस कहीं पे भी ब्लॉग को एंड करना पड़ सकता है बिकॉज कॉल आ गया इधर ही के साइड में है, तो लोकेशन वाले को रुकना है काम है। सो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो गाइस, और साथ में कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो सो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। यार देखो मालूम नहीं कैसा ब्लॉग बन रहा, बट प्रॉमिस कर रहा हूँ आने वाले टाइम में आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे। और ये फ़िलहाल एक फैमिली राइड है, सो तब तक आप ख्याल रखें अपने अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का। कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड सपोर्ट मी गाइस।